दोस्तों मेरे को काफी सारा कमेंट आता है कि पीसी या लैपटॉप से माइनक्राफ्ट गेम प्ले वीडियो को कैसे एडिट किया जाता है। तो गाइस इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल बताऊंगा कैसे आप माइनक्राफ्ट वीडियो को या कोई भी अदर्स गेम प्ले वीडियो को कैसे आप एडिट कर सकते हो। बेसिक सेटिंग मैं आपको बताऊंगा और इसके साथ साथ जो एडिट करने के साथ साथ ये जो सॉफ्टवेयर है कहाँ पर मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इससे दोस्तों और एक बात है, आपको अगर आपको गेम प्ले को रिकॉर्ड करना है अपने पीसी या लैपटॉप में माइनक्राफ्ट गेम या तो कोई भी अदर्स गेम, तो काफी आराम से आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो। उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो अभी अगर अपने वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया हो और रिकॉर्ड करने के बाद बारी आता है एडिटिंग करने का वीडियो को, तो अगर आप पीसी या लैपटॉप से एडिट करना चाहते हो तो कैसे आप वीडियो को एडिट कर सकते हो माइनक्राफ्ट गेम प्ले वीडियो को। तो आज हम माइनक्राफ्ट गेम प्ले वीडियो को पीसी से एडिट करेंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, आपको जो यहां पर जो माइक्रोसॉफ्ट का जो स्टोर है, ये जो सॉफ्टवेयर है आपको यहां पर ही मिल जाएगा। सिंपली यहां पर आपको सर्च करना है फिल्म फ्रंट बोल के। जैसे आपने सर्च करेंगे तो आपको यहां पर सबसे पहले यहां पर फिल्म फ्रंट वीडियो एडिटर मूवी मेकर इस तरह का जो सॉफ्टवेयर आपको यहां पर मिल जाता है। तो मैं यहां से ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूं, आप यहां से ओपन इंस्टॉल करके ओपन में क्लिक कीजिए। मैं यहां पर डायरेक्टली ओपन में क्लिक करता हूं, फर्स्ट टाइम लुक इस तरह का दिखाता है। अभी आपको यहां पर वीडियो को एडिट करने के लिए कौन सा वीडियो आप एडिट करना चाहते हो, जो वीडियो ऑलरेडी आपने रिकॉर्ड किया हो वो वीडियो को यहां पर न्यू प्रोजेक्ट में सिलेक्ट करके आपको यहां पर ऐड करना होगा। उससे पहले यहां पर आपने यहां पर जो एरो वाला बटन है यहां पर अगर टच करेंगे तो आपको यहां पर काफी सारा फ्रेम दिखाता है। अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियो एडिट करना चाहते हो या इंस्टाग्राम जो भी है, तो मैं यूट्यूब के लिए वीडियो एडिट कर रहा हूं, तो मैं यहां पर 16.9 फ्रेम को सिलेक्ट करूंगा। और यहां पर जो ऐड वीडियो फोटो क्लिप जो है यहां पर मैं नीचे यहां पर क्लिक करूंगा और हमारा फाइल पे लेके आएंगे। तो यहाँ पर जो भी वीडियो हमने यहाँ पर एडिट करना चाहूँगा तो उसी वीडियो को यहाँ पर ऐड करना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एग्जांपल मान लीजिए मैं इसी वीडियो को एडिट करूँगा, तो इसी वीडियो को मैंने यहाँ पर ऐड किया, तो एक बार हम प्ले करके देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, थोड़ा यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा हो चुका है तो इसको थोड़ा वॉल्यूम को मैं कम कर देता हूँ थोड़ा, तो एक बार देखता हूँ वीडियो में आपको बहुत। तो ये वीडियो टोटली आ चुका है। अभी मान लीजिए अगर आपको वीडियो को कहीं से भी कट करना है, कट करने के लिए सिंपल है दोस्तों। मैं आपको उससे पहले और एक बात मैं आपको बताया, तो ये जो वीडियो है थोड़ा आपको यहाँ पर छोटा देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में आपको वीडियो कट करने के लिए भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो एरो वाला बटन है यहाँ पर पकड़ के आप वीडियो को छोटा बड़ा भी कर सकते हो। जैसे में अगर ऐसा इतना छोटा हो जाएगा तो आप थोड़ा बड़ा कर लीजिए और वीडियो को आप प्ले करके एक देख लीजिए, तो ऐसे वीडियो को एडिट करना और भी सुविधा हो जाएगा। और इसके बाद जो एरो वाला बटन है थोड़ा मैं ऊपर की तरफ उठा देता हूँ, ये जो नीचे लाइन आप देख सकते हो, जो भी आप वीडियो को नीचे इमेज फोटो वगैरह आप ऐड करते जाओगे वीडियो के अंदर, तो ये सब लाइन बाय लाइन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जो कि आप ऐसा करके आप सेल बाय सेल आप देख सकते हो। ठीक है, तो अभी बात करता है, मान लीजिए आपको वीडियो को कट करना है, वीडियो को जो एक्स्ट्रा जो चीज़ है आपको कट करना है, तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ से मेरे को कट करना है, तो यहाँ इसको आपको पकड़ के ये जो यह है इसको आपको पकड़ के जहाँ से आपको कट करना है वहाँ पर ऐसे आपको लाना है, वहाँ पर रुक देना है, उसके बाद वीडियो में आपको टच करना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्लिप टूल का ऑप्शन, यहाँ पर टच करना है। आप देखेंगे यहाँ पर वीडियो कट हो जाएगा। आखिर मान लीजिए यहाँ से लेके आपको यहाँ तक कट करना है, या तो आप एक बार प्ले करके देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक आपको कट करना है। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कट करना है, तो यहाँ पर आप जो एरो वाला बटन है यहाँ तक लाइए और यहाँ पर एक बार वीडियो में टच कीजिए और यहाँ पर स्लिप्ट में टच कीजिए, तो यहाँ पर टोटल वीडियो को कट हो जाएगा। अभी ये जो काटा वाला चीज है, इसी जो काटा वाला जो वीडियो का पार्ट है, आपको यहाँ पर सिंपली डिलीट का जो ऑप्शन है यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन में टच जैसे आप करेंगे ये टोटली वीडियो कट हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर यहाँ से प्ले करके फिर से आप देख हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कट करना बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, जो कि आपने यहाँ पर देखा कितना आसानी से आप वीडियो को कट कर सकते हो। इसके बाद अगर बैकग्राउंड पे अगर आपको कोई भी सॉन्ग लगाना है तो बैकग्राउंड पे सॉन्ग लगाने के लिए एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने वीडियो के एकदम पहले से सॉन्ग लगाना है, तो मैं ये जो एरो वाला बटन है इसको मैं यहाँ से यहाँ तक लगाऊंगा। मैं इसको नाम दिया हूँ एरो वाला बटन, एरो नाम दिया हूँ एग्जाम्पल में। ठीक है, अभी मैं इसी को यहाँ तक लेके आऊँगा, तो यहाँ से मैं जो कि गाना लगाऊंगा, म्यूजिक लगाऊंगा, तो इसलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर जो ऑडियो ऑडियो बोल के जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ऑडियो बोल के ऑप्शन है यहाँ पर हम टच करेंगे और जो भी म्यूजिक है हमारा प्रोफाइल में वो यहाँ पर आपको और एक बार यहाँ पर जो ऐड ऑडियो बोल के ऑप्शन है ऐड ऑडियो ऑप्शन में क्लिक करना है।
आप चाहे तो यहाँ पर आप वॉइस ओवर भी कर सकते हो। ऐड ऑडियो में टच करेंगे आपको वॉइस ओवर का ऑप्शन मिल जाता है और ऐड ऑडियो का ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं ऐड ऑडियो में टच करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसी वीडियो में वॉइस दे चुका हूँ। तो मतलब वीडियो रिकॉर्ड करने के टाइम पे ही मैं सिर्फ एक म्यूजिक लगाऊंगा बैकग्राउंड पे। तो यहाँ पर मैं म्यूजिक पे जाऊंगा। सबसे पहले हम म्यूजिक पे देखेंगे, स्टार्ट ग्रुप पे जाता हूँ और नहीं यहाँ पर कोई म्यूजिक तो नहीं है तो देखता हूँ। तो ये रहा म्यूजिक एग्जाम्पल, मैं इसी म्यूजिक को लगाऊंगा। तो इसको मैं टच करता हूँ तो अभी एक बार प्ले करेंगे। नमस्कार दोस्तों, और एक नया वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो हमारा म्यूजिक का साउंड थोड़ा ज़्यादा हो चुका है तो म्यूजिक का साउंड थोड़ा कम करेंगे क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक है। तो इसलिए यहाँ पर वॉल्यूम पे हम टच करेंगे और इस जो 100% था इसको हम टोटली 30% या 32% ऐसा रहने देता हूँ। अभी इसमें एरो वाला बटन में टच करूंगा या तो आप ये टोटल यहाँ से प्ले करके भी आप देख सकते हैं। ये जो वीडियो आप देख सकते हो इसी वीडियो में हम एडिट करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर केक भी यहाँ पर मैंने यहाँ पर तैयारी किया हो। ठीक है, तो ये जो केक है इसी केक को मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको मैं तोड़ देता हूँ। ठीक है, तो फटाफट ये जो टॉर्च लाइट। तो दोस्तों वीडियो को इस तरह से आपको कट करना है, उसके बाद आपको बैकग्राउंड पे म्यूजिक आपको ऐसे लगाना है। अभी बात करते हैं अगर आपको ये सब लगाने के बाद अगर आपको सब्सक्राइबर बटन लगाना है, सब्सक्राइबर बटन लगाना है या तो कोई भी इमेज, कोई भी जो कि टाइपिंग करना है, कुछ भी आपको लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो, उसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या होगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले मैं सब्सक्राइबर बटन कैसे लगाता है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। सब्सक्राइबर बटन लगाने के लिए आपको यहाँ पर मान लीजिए आपको यहाँ पर वीडियो यहाँ से शुरू होता है तो यहाँ से मैं एक सब्सक्राइबर बटन लगाऊंगा। तो यहाँ पर जो पिक्चर इन पिक्चर में हम टच करेंगे सब्सक्राइबर बटन लगाने के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड PIC इन PC इसमें हम टच करेंगे और यहाँ पर ऐड वीडियो में हम टच करेंगे और यहाँ पर जो भी अपना प्रोफाइल है प्रोफाइल में हम जाएंगे और एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई भी एक बटन सब्सक्राइबर बटन देखता हूँ, देख स्टार्ट ग्रुप पे आता हूँ। हाँ, तो ये रहा सब्सक्राइबर बटन। तो सब्सक्राइबर बटन में हम टच करेंगे। अभी बात करते हैं यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन आ रहा है। ठीक है, तो ग्रीन स्क्रीन को हटाने के लिए मतलब यहाँ पर जो ग्रीन आ रहा है तो इसको क्रोमा क्यू का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्रोमा क्यू का यूज़ यहाँ पर नीचे देख सकते हो, क्रोमा केई बोल के एक ऑप्शन है, क्रोमा क्यू नहीं क्रोमा केई। तो क्रोमा केई ऑप्शन में हम टच करेंगे और ये जो क्रोमा केई इफेक्ट है इसको हम इनेबल कर देंगे और ये जो पेन वाला आइकॉन है पेन वाला आइकॉन को हम ग्रीन के ऊपर छोड़ देंगे और ग्रीन जो कि ऑप्शन है टोटली ये गायब हो जाए ग्रीन कलर। अभी इसके बाद हम एक बार प्ले में टच करेंगे। आप देख सकते हो इसी वीडियो में हम तो प्ले में जैसे हमने टच किया तो यहाँ पर जो ग्रीन सब्सक्राइबर के साथ थोड़ा ग्रीन ऑप्शन और भी दिखाया। तो मैं इसको ये जो ऑप्शन है इसी ऑप्शन में टच करके टोटली हम इसको थोड़ा बढ़ा देंगे तो अभी ग्रीन थोड़ा हट जाएगा। थोड़ा इसके अब एडजस्ट करना पड़ेगा एक मेरा कहने का मतलब है। तो यहाँ पर एडजस्ट हो गया। अभी टोटली हम ये जो है टोटली इसी कॉर्नर पे हम बैठा देंगे और इसके बाद हम प्ले में टच करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर केक भी यहाँ पर मैंने यहाँ पर तैयारी। तो ये जो है वीडियो को पहले ही हमने यहाँ पर लगा दिया सब्सक्राइबर बटन, तो इसको हम सिंपली हम डुप्लीकेट करेंगे और भी काफ़ी जगह पर हम दे देंगे या तो वीडियो का लास्ट में और एक हम दे देंगे। ठीक है, तो दोस्तों अभी अगर आपको इसके साथ लास्ट में और भी कुछ आपको वीडियो को ऐड करना है, जैसे कोई वीडियो सजेस्ट कर रहा है ऐसा कुछ वीडियो को ऐड करना है तो यहाँ पर प्लस वाला आइकन में टच कीजिए, ऐड वीडियो में टच कीजिए। इसके बाद ये जो वीडियो है इसी वीडियो को हम दे देता हूँ। तो इसके बाद जैसे ही हमारा ये वीडियो ख़त्म हो जाता है तो ये जो हमारा जो वीडियो सजेस्ट का जो वीडियो ख़त्म हो जाता है, जैसे ही वीडियो ख़त्म हो जाए तो ये भी आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको इस सामने से ऐड करना है तो यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हो। टोटली आप यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है या तो आप यहाँ से ऐड कर लीजिए, इसके बाद टोटल इसको पकड़ के आप यहाँ से सामने भी ला सकते हो या सामने से पीछे भी ला सकते हो। ठीक है, और मान लीजिए आपके काफ़ी ज़्यादा बड़ा वीडियो है तो आप यहाँ पर जो एक जो लाइन आप देखने को मिलता है यहाँ पर प्लस वाला आइकन में टच करेंगे ये टोटली लाइन आपको धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो का जो लाइन है थोड़ा बढ़ा सकते हो या और घटा भी सकते हो एकदम, तो ज़्यादा छोटा मत कीजिए या तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा हल्का छोटा बड़ा आप कर सकते हो, मतलब यहाँ पर भी ये ऑप्शन है आप यहाँ पर देख सकते हो। और टेक्स्ट मैसेज कुछ लिखने के लिए आप टेक्स्ट मैसेज में टच करेंगे, ऐड टेक्स्ट में टच करके कुछ भी आप यहाँ से भी लिख सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखूँगा, मैं यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देता हूँ, लेकिन आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है,
तो अभी बात करते हैं यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन भी आप यहाँ से लगा सकते हो, ट्रांजेक्शन ब्लैक तो फिर टू व्हाइट ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन लगा सकते हो ये बीच बीच में, ठीक है। तो यही था कुछ वीडियो, अभी आपको ये टोटली हो जाने के बाद ये कुछ मतलब बेसिक सा कुछ सेटिंग है एक वीडियो एडिट करने के लिए, मतलब ये काफ़ी है वीडियो एडिट करने के लिए। इससे भी और भी अच्छा से स्टाइलिश प्रो लेवल की एडिट होता है, मैं मानता हूँ होता है, लेकिन एक न्यू यूज़र को मतलब ये सिंपल एक वीडियो एडिट है, ठीक है, जो कि काम चला सकता है, काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, काम चल जाएगा, ठीक है। अभी इसको अगर बात करें सेव करने का, तो आप 4K भी आप सेव कर सकते हो, 1000 फुल HD भी आप सेव कर सकते हो, अगर आपके वो PC में वो कैपेबल है, अगर है तो 4K में भी आप सेव करते हो। सेव करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर सेव वीडियो पे आपको टच करना है, यहाँ पर आपको वीडियो रेजुलेशन मिल जाता है, वीडियो रेजुलेशन आप देख सकते हो 4K तक भी आप सेव कर सकते हो। फिलहाल मेरे PC में फुल HD तक ही यहाँ पर सपोर्टिंग है, 60 FPS भी होता है, तो यहाँ पर जो वीडियो क्वालिटी है यहाँ पर मैं सबसे बेस्ट करता हूँ 30 FPS, और फ्रेम रेट जो कि यहाँ पर देखता हूँ फ्रेम रेट मैं 60 FPS रखता हूँ, और इसके बाद यहाँ पर इसको मैं अनटिक करूँगा, और इसके बाद ये जो भी है वैसे रहने, तो अभी यहाँ पर जो सेव है तो आप यहाँ पर सेटिंग को देख सकते हो, कुछ इस तरह के मैं यहाँ पर सेटिंग किया हूँ, अभी मैंने इसको अनटिक किया हूँ, और इसके बाद यहाँ पर सेव में क्लिक करूँगा। सेव में क्लिक करते ही और यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि आप फाइल का नाम देना चाहते हो, तो मैं ये एग्जाम्पल माइन तो दे दिया, और उसके बाद यहाँ पर माइन 4 दे देता हूँ, ठीक है, और इसके बाद 4 नहीं 1 देता हूँ, ठीक है, और इसके बाद सेव में क्लिक करूँगा, और सेव में क्लिक करते ही ये टोटली जो वीडियो है ये अपना सेव हो जाएगा अपना फाइल पे। तो गाइस इस तरह से काफ़ी आसानी से अपने अपने PC में माइनक्राफ्ट के जो वीडियो है आप एडिट कर सकते हो, उसके बाद काफ़ी जगह आसानी से आप किसी भी जगह शेयर कर सकते हो, यूट्यूब पे या किसी भी जगह से, ठीक है। और आप जो गाना है बैकग्राउंड म्यूजिक है वो फ्री का म्यूजिक आप यूज़ कीजिए ताकि आपको कॉपीराइट ना आए, ठीक है। तो गाइस उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएंगे, वीडियो पसंद आएंगे लाइक कीजिएगा, और आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है आप मुझे कॉमेंट करके जरूर पूछिएगा इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में, और वीडियो को जरूर से जरूर एक लाइक करके जाना, कुछ भी बता के जाना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और गाइस आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी स्टार्ट गुरु, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम गाइस।